हमारे साथ दुना दादा मौजूद हैं। दुना दादा, ये जो काला धतु है मैं देख रहा हूँ, क्या इसका उपयोग है? ये काला धतु है, इसमें तीन फूल निकलते हैं, एक फूल तीन, एक दो तीन, ये तीन फूल, ये शिव को बहुत प्रिय है। हाँ। और इसका उपयोग ज्यादातर बात रोग में लोग करते हैं देहात में, जैसे किसी के पैर में दर्द है जी, घुटनों में, इसका पत्ता गर्म करके बांध लेते हैं। हाँ हाँ। तो उसका दर्द छूमंतर हो जाता है तुरंत कर, और खास कर इसमें तेल बनाती है इसी के फल के बीजी जी डाल करके। हाँ। और देहात में जो जानवर को कीड़ा काट ले काला सर पर जी, तो कुछ लोग इसके प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो क्या ये जहरीला होता है? ये बहुत जहरीला होता है। हाँ। और इसके खाने से फल लोग पागल पड़ जाता है, मतलब इतना गर्मी होती है इसमें, गर्मी इतना होते, पागल पड़ जाता है। और सर्दियों में ऐसे लोग भून करके जानवरों को खिलाते हैं, जब उसको सर्दी लग जाती है, निमोनिया इत्यादि, पत्ते को, इसको फल को, फल को, फल को। और ये कुछ सुना जादू वादू उसमें काम आता है, जादू टोने में भी? हाँ, इसकी जड़ जो है, जो गर्भवती माताएं होती हैं, हाँ, तो अगर उनका गर्भ गिर जाता है हाँ, तो एक विशेष नक्षत्र में, हाँ, जो पुख नक्षत्र है जी जी जी, विशेष नक्षत्र में इसको निमंत्रण किया जाता है शाम के चावल से। अच्छा। और इसको निमंत्रण दे करके सुबह किसी से बोले ना, हाँ, और इसकी जड़ उसके कमर में बांध दे। अच्छा। तो उससे गर्भ का ठहराव हो जाता है, ये सब मैंने सुना है जी। तंत्र विद्याओं में इसका काफी उपयोग होता है, इस तंत्र लोग भी काफी होता है उपयोग करते हैं। और जो आपने वो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।